हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सोयाबीन की ऐसी सब्जी बना के दिखाने वाला हूँ जो कि किसी रेस्टोरेंट से एकदम बढ़िया होगी और एक की जगह आप दो रोटी ज़्यादा खाएंगे क्योंकि इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट जो लगती है ये। तो फिर चले बनाना शुरू करें। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ी कटोरी सोयाबीन लेकर पहले उसे भिगो कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो कर ले रहा हूँ। चाहे तो आप सोयाबीन को एक उबाल आने तक बॉईल करके भी ले सकते हो। तो इसे हमें भिगने के लिए 5 मिनट तक रेस्ट देना है, तब तक हम मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच तेल और जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए पहले डालेंगे स्लाइस में कटा हुआ एक बड़ा प्याज। अभी इसे 40 से 50 सेकंड तक भून कर लेते हैं ताकि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। अब इस स्टेज पे हमें इसमें डालना है 10 से 12 लहसुन और आधा इंच अदरक के छोटे छोटे पीसेस। अब डालना है 4 साबुत लाल मिर्ची। अभी इन सबको एक साथ भून कर लेते हैं, यानी कि प्याज को हल्का सा सुनहरा कलर आने तक चम्मच चलाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हो कि प्याज हल्का सा सुनहरा हुआ है। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में ट्रांसफर करना है। अभी क्या करेंगे, बिना पानी डाले इसे पीस कर इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, आप भी इसी तरह की पेस्ट बनाइए। अब इसे साइड में रख कर जो हमने सोयाबीन को भीगने के लिए छोड़ा था उसे पानी में से निकाल कर ऐसे हाथ से निचोड़ निचोड़ के पानी को निकाल लीजिए और बाद में सोयाबीन को हल्का सा फ्राई करिए। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने बस 3 चम्मच ही तेल यूज़ किया है। हाँ, अगर आप ऑयली खाना खाने से परहेज़ नहीं करते हो तो आप ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल करके सोयाबीन को फ्राई करके ले सकते हो। तो सोयाबीन को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्लेम को मीडियम रखकर लगातार चम्मच चलाते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि यह क्वांटिटी में कम हुई है, यानी कि यह अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे गैस पर से उतार के एक अलग से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या करना है, इसमें स्वादानुसार नमक डालकर साथ में डालना है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची पाउडर आप तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। अब 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे और बाद में आधा कप दही डालकर इन डाले हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखो आप, ऐसे मिलाने के बाद हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने पैन में डाला है 4 चम्मच तेल और तेल गर्म होने के बाद डालना है आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा। और जैसे ही राई जीरा चटक जाए तब डालना है 4 से 5 लवंग, 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब 2 तेज पत्ता डालकर इन डाले हुए सभी चीज़ों को हल्का सा भून कर लेते हैं। ऐसे भून लेने के बाद हमें इसमें डालना है जो हमने मसाला बनाया था उसे। अब इसमें तब तक चम्मच चलाएंगे जब तक कि इस मसाले से तेल अलग ना हो जाए। तो फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर 1.5 से 2 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते रहिए। और 2 मिनट के बाद जो हमने सोयाबीन को मिर्च मसाला दही लगाया था उसे ऐड करके फिर से 30 से 40 सेकंड तक चम्मच चलाएंगे। और चम्मच चलाने के बाद हमें इसमें डालना है पानी। तो पानी आपको ग्रेवी पतली या गाढ़ी कैसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए और बाद में थोड़ा चम्मच चलाइए। हाँ, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालिए क्योंकि यह सब्जी ठंडे होने के बाद गाढ़ी बनती है। अभी इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा चम्मच गरम मसाला डाल के सब्जी को 1 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, इस सोयाबीन की सब्जी को आप ज़रूर ट्राई करें, यह आपके खाने का 2 गुना स्वाद बढ़ा दे।
और एक की जगह दो रोटी ज़्यादा खाएंगे आप। लास्ट में धनिया पत्ता से गार्निश करके गर्मा गर्म सब्जी को परोसिए और रोटी चपाती नान के साथ खाने का मज़ा उठाइए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।